हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? तो स्वागत है आपका मेरे एक छोटे से मिनी व्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ बर्गर, क्योंकि मेरी बेटी की ये डिमांड थी बर्गर बनाया जाए। उसके लिए मैंने क्या किया है, चार आलू को बॉईल करके मैंने ऐसे देख लिया, आप मैंने मैश कर दिया इसको अच्छे से, और उसमें मैंने चावल का आटा मिलाया थोड़ा सा, साथ में छोटा सा मैंने दो प्याज कटे हुए डाले हैं, उसको बारीक काट लिए हैं, साथ में मैंने उसमें हरा धनिया डाला है। अब मैंने उसमें मिलाया है नमक और हल्दी, और साथ में मैंने डाला है इसमें लाल मिर्ची। हरी मिर्ची मैंने नहीं डाली क्योंकि लाल मिर्ची मैंने डाल दी थी, तो हरी मिर्ची मैंने नहीं डाली क्योंकि ज़्यादा तीखा हो जाता है। और अब इसको अच्छे से मिला लेंगे, बढ़िया से इसको मैश कर लेंगे, और इसके छोटे छोटे से ना पेड़े बना लेंगे, आप जैसे रोटी के हम पेड़े बनाते हैं ना, आटे के पेड़े बना के, ये देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, और इसको हम ना तेल में ऐसे बढ़िया से इसको फ्राई कर लेंगे, ये देखिए। तो जो मैंने चार आलू के मैश करके बनाए थे, तो उससे ना सात इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बनी हैं, और ये मैंने इसको बढ़िया से इसको फ्राई करके, मैंने तेज गैस की आँच थोड़ी तेज़ थी तो इसको मैंने फ्राई कर लिया है। अब साथ में ना ये बर्गर बन लाई थी, और मंडी से लाई थी दोस्तों मैं ये, और आपके उधर भी मिल जाते होंगे, बड़ी आसानी से मिल जाते हैं ये तो। और इसको घर में बनाने का एक फ़ायदा भी है, क्योंकि बाहर मार्केट से जब हम इसको लाते हैं तो ये 20 का बर्गर मिलता है, और यहाँ पे एक पैकेट में 30 का मिलता है, जिसमें ये 6 बन होते हैं। और ये देखिए बहुत गर्म था, कट भी नहीं रहा था, चाकू भी मेरा ज़्यादा तेज नहीं था। बस मैंने इसके लिए क्या किया है, ये हमारे पास ये सॉस था, किसान सॉस, इसको मैंने थोड़ा सा डाला, और साथ में मैंने ये जो टिक्की बनाई थी आलू टिक्की वो डाली, और साथ में मैंने ना प्याज काटा हुआ था और टमाटर काटा हुआ था, ये देखिए प्याज ऐसे ही काटना है आपने, आपकी मर्जी है, ऐसे भी काट सकते हैं कैसे भी काट सकते हैं, मैंने तो ऐसे ही काटा हुआ था। और साथ में मैंने ये टमाटर, देखिए टमाटर डाला हुआ है, और मेरे पास ना थोड़ा सा मैं लाई थी मक्के के दाने, और बच्चों ने बोला मम्मी मक्के के दाने भी डालना है, तो मैंने ये मक्के के दाने भी डाले, और मैंने इसमें ना चटनी कुछ और नहीं ऐड करी, बस यही ऐड किया, इससे ही बर्गर बहुत टेस्टी बना। और मेरी बेटी को ये ना बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद आया, और मैंने तो दिया उसको एक ही बर्गर था एक ही, लेकिन उसको इतना पसंद आया दोस्तों, उसने बोला कि एक और खाऊंगी, ये देखिए उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया, और खुश हो गई वो, तो कह रही मम्मी आपने तो बहुत अच्छा बनाया है, ये तो बिल्कुल मार्केट जैसा बर्गर बना है। और सच में मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं अपने बच्चों के लिए घर में ऐसे बनाती हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये मिनी व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर आपको पसंद आया है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।